माइक टेस्टिंग। हाँ साउंड प्रॉपर आ रहा है। जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 47 में स्वागत है आप सभी का। आशा है कि आप सभी सही होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर हम लोग प्रकाश डालते हैं, आइए इसको बनाते हैं। और ये कोचिंग प्रॉब्लम का जो है कि 24 जो है कि क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मतलब कोचिंग प्रॉब्लम का आप समझ सकते हैं शुरुआत है। एक्सरसाइज वन बी चैप्टर वन है ना, सेमेस्टर थ्री के बच्चों के लिए चल रहा है, पेपर नंबर 7 चल रहा है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सीरीज का चल रहा है, जिसमें कोचिंग प्रॉब्लम स्टार्ट किए हैं पिछले ही वीडियो लेक्चर से। और आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 47 में मैं आपको कोचिंग प्रॉब्लम का शुरुआत, मतलब बुक का जो प्रॉब्लम है वहाँ से शुरुआत करना चाह रहा हूँ। 24 बताऊँगा, 25, 26, 27 34 क्वेश्चंस तक मैं बताऊँगा। इसमें जितना क्वेश्चन है वो सारे के सारे कोचिंग प्रॉब्लम को बताऊँगा, डिस्क्राइब करूँगा बढ़िया तरीके से। और इससे पहले आपने अगर नहीं देखा वीडियो लेक्चर्स को तो पहले उनको अटेंड कर लीजिए, फिर इसमें आइए तो आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कोचिंग प्रॉब्लम xp प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 2xy और बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ विथ जेड बराबर 2 और जेड बराबर 2 ऑन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ। सबसे पहले लैग्रांजियन ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, dx अपॉन p के जगह पर x और dy अपॉन q के जगह पर y और dz अपॉन r के जगह पर 2xy। इसके बाद फिर हम लोग dx अपॉन x और dy अपॉन y जो है कि फर्स्ट टू इंटीग्रल्स ले लेंगे, है ना। और लेने के बाद फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, log x इक्वल टू log y प्लस log c1 आ जाएगा। log x और log y मतलब log x है और log y को मैं LHS में ले आऊँगा तो log x माइनस log y हो जाएगा, और इधर log c1 है और log m माइनस log n का फार्मूला log m बाई n होता है इक्वल टू log c1, तो log log मरेगा, x बाई वाई इक्वल टू c1 बचेगा। इसके बाद नाउ यूजिंग मल्टीप्लायर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मल्टीप्लायर्स में हम लोग y का इस्तेमाल कर लेते हैं, x का इस्तेमाल कर लेते हैं और माइनस वन का इस्तेमाल कर लेते हैं। पूछे क्यों क्यों आप मल्टीप्लायर का इस्तेमाल कर रहे हैं सर? क्योंकि देखिए बाबू, यहाँ पर जो dx बाई x और dy बाई y मतलब x और y एक इंटीग्रेबल पेयर बना रहा है, y और z इंटीग्रेबल पेयर नहीं बना रहा है, x और z इंटीग्रेबल पेयर नहीं बना रहा है। इसका मतलब हम लोग को कम से कम दो इंटीग्रेबल पेयर चाहिए, और पहला इंटीग्रेबल पेयर से हम लोग इंटीग्रेबल सॉल्यूशन निकाल चुके हैं, अब दूसरा कम से कम एक ठो और इंटीग्रेबल पेयर चाहिए। तो इसीलिए हम लोग को अपने से एक नया रेशियो खोजना पड़ेगा, और उस नए रेशियो को खोज करने के लिए हम लोग को मल्टीप्लायर्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, है ना, वाई एक्स और माइनस वन हम लोग नए मल्टीप्लायर्स का इस्तेमाल कर लिए, और डी एक्स अपन एक्स, डी वाई अपन वाई और डी जेड अपन जेड ले लिए। और मैं क्या करता हूँ, वाई को डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स को डी वाई के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और माइनस वन को डी जेड के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। नीचे क्या हो जाएगा, ऑलरेडी एक्स है तो वाई को मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई हो जाएगा, ऑलरेडी वाई है तो उसमें वाई में एक्स मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई हो जाएगा, ऑलरेडी 2xy है नीचे में तो उसमें अगर हम लोग माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2xy हो जाएगा। आप देख सकते हैं बाबू नीचे में क्या हो रहा है, xy प्लस xy 2xy माइनस 2xy, तो कट के जीरो हो जाएगा, और ऊपर में y dx प्लस x dy प्लस फिर माइनस dz है, है ना, ऐसा कुछ। आगे देखिए आगे क्या हुआ, आगे समझिएगा क्या हुआ। चूँकि हमारा पहले से क्या था बाबू, dx अपन x, dy अपन y और dz अपॉन 2xy, और इधर y dx प्लस x dy माइनस dz अपॉन 0 है तो उसको यहाँ पर रख दिए, एक तरफ कर दिए। अब आगे क्या है, x dx प्लस y dx माइनस dz इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x को छोड़ा dy किए, फिर y को छोड़े dx किए, तो d ऑफ xy हो गया, है ना, और माइनस dz इक्वल टू 0। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो क्या होगा समझिए, तो d हट जाएगा, xy माइनस 1 इंटू dz का इंटीग्रेशन z होता है इक्वल टू c2 हो गया, एक इंटीग्रल कांस्टेंट, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब बाउंड्री कंडीशंस का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। तो गिवन बाउंड्री कंडीशंस, z बराबर 2 दिया हुआ है और y बराबर x का स्क्वायर दिया हुआ है, ये बाउंड्री कंडीशन है, z बराबर 2 दिया हुआ है और y बराबर x स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आगे समझिएगा बात को, तो इससे आप समझिए, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं,
तो अब y बराबर मैं अगर t पुट कर दूँ, किसी एक को आप t पुट कर दीजिए, या फिर आप x बराबर t पुट कर दीजिए, या फिर y बराबर t पुट कर दीजिए, तो जो आपको आसानी आपको बुझाए आप उसको पुट कर सकते हैं। मेरे को आसानी बुझाया y बराबर t पुट कर देना। जब मैं y बराबर t पुट कर दिया तो x बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टी, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर प्लस टी, और स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी है तो स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो x बराबर रूट टी हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में क्या है हमारा, देखिए फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में क्या है, इक्वेशन वन को देखना पड़ेगा, जरा आइए देखिए। इक्वेशन वन में मेरा क्या है, x अपॉन y इक्वल टू सी वन है, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं x अपॉन y इक्वल टू सी वन। तो x का वैल्यू मेरा रूट टी आया है, तो x के जगह पर डायरेक्ट रूट टी, और y के जगह पर ओनली टी, और इक्वल टू सी वन हो गया। अब यहाँ पर बात को समझिएगा, ऊपर में रूट टी और नीचे में ओनली टी, तो रूट टी और नीचे में ओनली टी है, तो ओनली टी को हम लोग लिख सकते हैं रूट टी इंटू रूट टी, तो एक रूट टी से एक रूट टी कट जाएगा और नीचे में वन अपन रूट टी बच जाएगा, तो सी वन बराबर वन अपन रूट टी। तो रोटी अगर C1 के जगह भेज दे, मतलब रोटी को अगर C1 के जगह पर भेज दे, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है तो डिवाइड में है, तो चलिए उसको मल्टीप्लाई में ले चलते हैं C1 के जगह पर, तो ओनली रोटी होगा, रोटी बराबर वन अपॉन C1 हो जाएगा। तो T हाफ है, रूट का मतलब होता है हाफ, तो T का पावर हाफ का मतलब वन अपॉन C1 हो गया। आगे फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू से क्या है समझिए, एक्स वाई माइनस जेड इक्वल टू सी टू है, तो x के जगह पर है क्या मेरा, रूट टी है, तो x की जगह पर रूट टी है, तो यहाँ पर देखिए x की जगह पर रूट टी, और यहाँ पर देखिए y, यहाँ पर y भी है तो y के जगह पर ओनली टी है, तो y के जगह पर ओनली टी हो जाएगा, है ना, यहाँ पर ओनली टी, और माइनस माइनस यहाँ पर भी देखिए है माइनस, और z के जगह पर क्या हो जाएगा, z के जगह पर 2 दिया हुआ है, तो z की जगह पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर इस जगह पर देखिए आप बढ़िया से, यहाँ पर सी टू है इक्वेशन टू में, तो यहाँ पर भी सी टू हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ यहाँ पर भी सी टू हो जाएगा, और टी का पावर हाफ और टी का पावर वन दोनों कैल्शियम लेंगे तो टी का पावर थ्री बाई टू माइनस टू इक्वल टू सी टू। अब समझिए टी का पावर यहाँ पर क्या हुआ, आगे देखिए इतना तो क्लियर हो गया, और यहाँ पर आप देखिए कि टी का पावर हाफ का मतलब वन अपॉन सी वन था, तो टी का पावर हाफ का मतलब वन अपॉन सी वन, और मैं यहाँ पर क्यूबिंग कर देता हूँ दोनों तरफ, तो टी का पावर थ्री बाई टू और इक्वल टू वन अपॉन सी वन का होल क्यूब, है ना, ये हुआ। और एक बात यहाँ पर समझिए बाबू कि आगे क्या है, ठीक है, और एक बात आप समझिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टी का पावर थ्री बाई टू बराबर वन अपॉन सी क्यूब हो गया, तो हम लोग ऐसा क्यूबिंग क्यों किए, क्योंकि ताकि टी का पावर थ्री बाई टू हमको मिल सके, चूँकि यहाँ पर टी का पावर थ्री बाई टू है तो टी का पावर थ्री बाई टू के जगह पर हम लोग वन अपॉन सी क्यूब रखेंगे, वन अपॉन सी वन का क्यूब रखेंगे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, तो देखो बाबू सबसे पहले तो टी में कन्वर्ट करना था इक्वेशन को, और उसके बाद जब टी में कन्वर्ट हो जाए तो उसको सी वन और सी टू में कन्वर्ट किया जाता है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन में जब हम लोग टी का वैल्यू, टी का पावर थ्री बाई टू का वैल्यू वन अपॉन सी वन का होल क्यूब माइनस टू, वन अपॉन सी वन का होल क्यूब रख देते हैं, और इसके बाद माइनस टू रख देते हैं, और सी टू एज इट इज़ रहने देते हैं, और एलसीएम लेते हैं, तो वन माइनस टू सी वन का होल क्यूब इक्वल टू टू इक्वल टू सी टू इंटू सी वन का होल क्यूब, क्या हो गया, वन माइनस टू सी वन का होल क्यूब अपॉन सी वन का होल क्यूब, नीचे था तो ऊपर चल गया, तो सी टू इंटू सी वन का होल क्यूब, और वन माइनस टू, और सी वन क्या है मेरा, एक्स अपॉन वाई है, सी वन के जगह पर एक्स अपॉन वाई रख दिए, और उसका होल क्यूब इक्वल टू सी टू के जगह पर एक्स वाई माइनस जेड आया हुआ है, तो एक्स वाई माइनस जेड लिख देंगे, और फिर सी वन के जगह पर एक्स अपॉन वाई था तो फिर उसको दोबारा से लिख देंगे। देख लीजिए एक बार सी टू के जगह पर क्या है, सी टू के जगह पर आपका क्या है, एक्स वाई माइनस जेड है ना, तो बस इसको जस्ट यहाँ पर फिल कर देंगे, सी टू के जगह पर एक्स वाई माइनस जेड, और सी वन के जगह पर एक्स अपॉन वाई, ठीक है, और वन माइनस टू सी वन, सी वन के जगह पर फिर एक्स अपॉन वाई का होल क्यूब। तो आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना, तो इसको एक बार और सॉल्यूशन करेंगे, है ना, सिंप्लीफाई करेंगे, आइए सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर है क्या एक्चुअली में, ये आपका x अपॉन y का होल क्यूब है ना, तो और इधर क्या है,
ये सब कुछ समझना पड़ेगा थोड़ा सा, आगे देखिए समझेंगे। देखिए यहाँ पर x अपॉन y का होल क्यूब है, तो इसको इधर भेज देंगे, एक मिनट, इसको ये डिवाइड मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 माइनस 2 x अपॉन y का होल क्यूब अपॉन x अपॉन y का होल क्यूब हो जाएगा। तो जब जाएगा ये वाला पोर्शन इधर, तो ये x अपॉन y अपॉन होल क्यूब x अपॉन y होल क्यूब आपस में काटेगा और ये बटेगा, तो 1 अपॉन x अपॉन y का होल क्यूब होगा। इसको पलट देंगे तो हो जाएगा क्या, इसको डायरेक्ट अगर पलट देंगे ऊपर में, तो y अपॉन x का होल क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y अपॉन x का होल क्यूब हो जाएगा और माइनस का 2 होगा। देखिए वही यहाँ पर लिखा हुआ है, y अपॉन x का होल क्यूब माइनस का 2 होगा और एक्स वाई माइनस जेड होगा। ठीक है, अब आगे समझिए क्या होगा, एक तरफ जेड को हम कर लेते हैं, ये माइनस जेड है तो इधर आएगा प्लस जेड, ये माइनस 2 इधर आएगी, इधर इधर माइनस 2 यहाँ पर क्या है, 2 यहाँ पर क्या है नेगेटिव में है, तो माइनस 2 को इधर ले आ जाएंगे तो माइनस 2 यहाँ पर प्लस में हो जाएगी। और ये एक्स वाई ऑलरेडी है और ये वाई बाई एक्स का होल क्यूब है, इसको इधर ले आएंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, है ना, लेक्चर नंबर 47, है ना, लेक्चर नंबर 47 आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 24 समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 48 में, जहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 25 को आपको बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 48 में, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।